हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम है, तो जो सब इस समय सही हैं, अच्छे हैं, तो माता रानी का धन्यवाद करें। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भाई। सुबह सुबह मैं ग्रीन टी या लेमन वाटर जो भी पीती हूँ, तो बस ये जो नींबू होता है ना, उसको ही मैं बस मैं वही लगा रही थी फेस पे। और तो सुबह अभी ये बेटा सोया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जितनी सफाई होती है उतनी कर लो। और बस मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही, झाड़ू और अच्छे से जितने भी मैट हैं, तो फिर और दिन भी करती हूँ पर उतना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो चलो छुट्टी वाला दिन यही होता है कि आप अच्छे से सारा काम कर लो। और बच्चों वाले घर में तो आप समझ ही सकते हो कि बच्चे मतलब कितना आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बच्चे गंद डालते ही डालते हैं बाहर से आए। और वैसे भी आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर काम लगा हुआ है, तो फिर आधी डस्ट वैसे आ जाती है, हवा वगैरह बहुत चल रही थी तो डस्ट आ जाती है अंदर। तो बस मैं यही कर रही थी, सारे में कर लूँगी मैं सफाई, सारे अच्छे से सारे मैट वगैरह झाड़ के। और मैट अभी धोए हैं तो इनको नहीं धोना है अभी, मैंने इनको भी मैंने 3-4 दिन पहले ही धोया है। तो बस अच्छे से झाड़ू झूड़ू करके इसके बाद लग जाऊंगी सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने। और मैंने सोचा चलो आप साथ आज शेयर कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे सफाई करते हुए, मैंने वीडियो शेयर नहीं किया था। तो जी बस यही है, और जितना हो सके साफ़ सफाई रखनी चाहिए घर पे, ताकि आप स्वस्थ रहें। और ये बनाए थे ब्रेकफास्ट में ओट्स, सिर्फ अपने लिए बनाए थे, बाकी कोई नहीं खाता है, नाक चढ़ाते हैं। अच्छे से रख, मोली भी आ जाएंगे, मुकुंद भी आएगा। हैं? मुकुंद भी आ जाएगा। क्यों आएगा मुकुंद? क्यों मुकुंद नहीं आ सकते? हम वहाँ पे खेलेंगे कैच कैच, मम्मी बोल भी देती हूँ। हम वहाँ पे कैच कैच खेलेंगे। तेरी डांस क्लास भी है शाम को? कोई नहीं, रहने देंगे डांस क्लास। क्यों? अच्छा क्यों पंगड़ा भी तो बात पे जी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो अभी है जी दिन का टाइम, और बाल धोए थे अभी ना, सो सुबह तेल तूल लगा के रखा था ना, तो बस अभी बाल बुल धो के बैठी हूँ, थोड़े सूख गए हैं। और आज है सैटरडे और छुट्टी भी है, तो बस अभी हुई थी फ्री, तो बेटा चला गया क्वार्टर अपने ताऊ ताई के पास, और बेटी चली गई है, वो हॉस्पिटल गई है, तो बस मैं हूँ अकेली। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ। मैं कल देख रही थी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, पहले 161 थे और अब 58 रह गए हैं, 158। तो पता नहीं वो कौन 3 लोग हैं, चलो कोई ना, नहीं अच्छे लग रहे होंगे उनको मेरे ब्लॉग्स, तभी उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया मुझे, वो कोई बात नहीं। और होते हैं कुछ लोग मुंह पे आपके और पीठ के पीछे आपकी बुराई करने वाले हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल मेरे सामने मेरे होते हैं, मतलब और पीठ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, सब चलता है, यही लाइफ है। तो चलिए फिर, आज लंच वगैरह तो कुछ बनाना नहीं है, तो बस फ़िलहाल तो अब रेस्ट करना है, और चलो छुट्टी है तो छुट्टी को एंजॉय कर लेते हैं। कपड़े आज मैंने नहीं धोए, कपड़े हैं धोने वाले पर अब वो कल धोऊंगी, क्योंकि फिर कल फिर एक एक जोड़ा सब खोलेंगे तो फिर से धोने वाले हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि कल ही धोऊंगी। और साफ़ सफाई मैंने कर ली सुबह, तो बस सब
बाल सुखाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए फिर, बाय बाय। तो ये बन गए थे, शाम को बनाए थे मैंने, आलू और साथ में है पालक के पत्ते, थोड़े से प्याज के पत्ते और मटर हैं, और थोड़े से मटर, ये अपने देसी मटर है ना अपने खेत के, तो ये उसके जो हैं ताज़े ताज़े छिलके थे, इनको भी मैंने निकाल के, उसके छिलके के अंदर एक उसको आप निकालोगे तो वो निकल जाता है, तो बस ही मैंने वो निकालने के लिए थोड़ा चटपटा सा बनाया था। और रोज़ बनाना भी क्या होता है, रोज मतलब भिंडी भी काटी हुई थी लेकिन मैंने कहा भिंडी अभी नहीं बनानी, भिंडी कैसे बनाती हूँ। फिर मत मांगे, बस 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 होगी। तो जी ये हो गया इनका युद्ध शुरू, और ये तो इनका रोज का काम है। मामू पता क्या बोल रहा था, सुन तो ले पहले सुन ले, अच्छा फिर मुंह छुपाना। मामू बोल रहा था कि हैंसी बहुत अच्छा लगता है, हैंसी की हरकतें बड़ी अच्छी लग रही हैं मुझे, बोलते मैं रोज देखता हूँ ऑफिस से आके, पता ऐसे बोल रहा था मामू। मामू को कुछ बोलना है, कुछ बोलना है मामू को, मिंगू मामू को आज बता क्या हुआ एंसी, जो हमने हर्षी सिरप नहीं मंगाया था वो मामू के एड्रेस पे पहुंच गया, पता कैसे? उसमें मैंने मामू को पहले राखी भेजी थी ना, तो वो वहां पहुंच गया क्योंकि मैंने देखा नहीं था एड्रेस ना, फिर मामू बोलते कि मैं भिजवा देता हूँ वापस, कोई बात नहीं। एक मैंने सूट मंगवाया था वो भी वहीं चला गया। मेरा वाला सूट था, तेरे को तो मैं बाजार से ले दूंगी। आप साइकिल नहीं लाते हो? साइकिल पापा ने बोला तो है कि वहां से आ रही है, तो वहां से आई नहीं थी, लुधियाना से आ जाएगी बेटा, जब बोला तो आ जाएगी, तो आ जाएगी, मैं तो स्टंट वाली हूं भाई है। हां हीरो साइकिल वो आ जाएगी ना, बोला तो है, पर वो तो 5 गियर वाली होगी। वो तो 5 गियर वाली होगी, 5 गियर वाली होगी, कोई बात नहीं। मामू को बोल दो कुछ। हेलो मामू। तो मैंने मंगाया था सामान और मैंने उसमें एड्रेस नहीं चेक किया। मैंने पहले उसमें सेव करके रखे हुए थे एड्रेस, एक अपने भाई का, एक अपनी छोटी सिस्टर का और एक अपना, तो मैंने जल्दी जल्दी में ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक सूट था और एक इसके लिए हर्षी सिरप मंगाया था, वो मंगवा के और मैंने पेमेंट भी कर दी, ध्यान भी नहीं दिया कि ये किस एड्रेस पे जा रहा है। आज मैंने अपने भाई से वैसे ही बात की तो फिर उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे एड्रेस पे पहुंच गया है, और बोलता मैं बहुत परेशान हो गया था कि ये मेरे पास आया कहाँ से, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, तो कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। आज भी मैं कुछ ऑर्डर कर रही थी तो ही मेरे को ध्यान आया कि मैं देख तो लूँ मेरा जो पहले वाला ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया। वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ मेरे भाई का एड्रेस था जो जिस एड्रेस पे वो चला गया। तो आप भी कभी कुछ ऑर्डर करें ऑनलाइन तो एक बार देख जरूर लें कि कहाँ करना था और कहाँ हो गया, और मेरे गुगड़ू की भी देखो जला हरकते। चलो अच्छा सबको बोल दो गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं कल, बोलो नहीं ऐसे नहीं बोलते, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नहीं सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो है मेरी जो भी वीडियोस आने वाली हो या जो भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एक साल बाद।
tried so hard and got so hard.